हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आपसे बीघा टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के ऑनलाइन टेस्ट में हम देखने वाले हैं संविधान के टॉप 50% जो कि बार बार पूछे जाते हैं। तो आप इस टेस्ट को पूरा एंड तक लगाइएगा और 50% में से आप कितने सही कर पाते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही साथ जितने आंसर आपसे आते होंगे वो भी साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। और इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं टेस्ट की टॉपिक स्टडी के टेलीग्राम चैनल से। आप टॉपिक स्टडी को फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और हो सके तो लाइक करिएगा और शेयर जरूर करिएगा ताकि दूसरे बच्चों तक भी टेस्ट पहुंच सके। अगर आप चाहते हैं डेली टेस्ट लगाना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। रात को 9 से 10 के बीच में डेली आपको एक ऑनलाइन टेस्ट मिल जाया करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टेस्ट को। आपको हर एक क्वेश्चन में 5 से 6 सेकंड मिलेंगे, तो आप उस 5 से 6 सेकंड में कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिएगा। और आपकी रिक्वेस्ट पे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने बोला कि टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा है, बस आप इसमें क्वेश्चन बढ़ा दीजिए, तो आपकी रिक्वेस्ट पे मैंने क्वेश्चन बढ़ा दिए, क्वेश्चन बढ़ा के 30 से 50 कर दिए। तो आप भी मेरे बोलने से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? बिल्कुल सही, अगर आप ऑप्शन यहाँ पे डी लगा रहे हैं तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? बिल्कुल सही, अगर आप ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो वेरी गुड, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान सभा की स्थापना कब हुई? ये क्वेश्चन अभी आपका RPF में पूछा गया था, तो यहाँ पे ऑप्शन 3 का बी हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? 4 का राइट आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल सही, 4 का राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? बिल्कुल सही, 5 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6 बताइएगा, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? तो बिल्कुल सही है, अगर आप ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो वेरी गुड। ये क्वेश्चन भी अभी आपका RPF में पूछा गया था। ये टेस्ट आपका सभी परीक्षाओं के लिए है तो एंड तक लगाइएगा। 7 का राइट आंसर बताइए, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? वेरी गुड, अगर आप 7वें का ऑप्शन बी लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही है, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगर मेरी स्पीड ज़्यादा होगी आंसर बताने की या कम होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं नेक्स्ट टाइम से उतना ही कम या ज़्यादा कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? बिल्कुल सही, अगर आप यहाँ पे ऑप्शन डी लगा रहे हैं तो वेरी गुड, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया? थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है यहाँ पे, और इसका राइट आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर देखिए बिल्कुल सही है, सी हो जाएगा। इसमें और इसमें डिफरेंस देख लीजिए, यहाँ पे पूछा कि संविधान को कब पारित कर दिया, तो 26 नवंबर 1949 को, और भारतीय संविधान को किस दिन पूर्णतः लागू किया गया था, लागू कब किया गया था, 26 जनवरी 1950 को। तो ये इसमें डिफरेंस है, कभी कंफ्यूज मत होइएगा इन दोनों क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारत गणतंत्र कब बना? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, सब आंसर सही लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, भारत एक गणतंत्र है इसका अर्थ है?
बिल्कुल सही। अगर आप ऑप्शन 12वें का सी लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। बिल्कुल सही, 13 का राइट आंसर ए हो जाएगा। वेरी गुड भाई, अगर आपने ऑप्शन ए लगाया है तो वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? ये क्वेश्चन अभी आपका पूछा गया था आरपीएफ एसआई में। बिल्कुल सही, 14 का राइट आंसर सी हो जाएगा। वेरी गुड, सॉरी ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा भाई। ठीक है, ये यहाँ पे गलती हो गई थी, तो 14 का बी राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है? तो बिल्कुल सही, 15 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? बिल्कुल सही, 16 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संघ में शामिल राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? बिल्कुल सही, अगर आप ऑप्शन यहाँ पे ए लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी किसी एग्जाम में पूछा गया था। बिल्कुल सही, यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा, 18 का राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्य भाषाओं का उल्लेख है? 19, बिल्कुल सही, अगर आप ऑप्शन यहाँ पे बी लगा रहे हैं तो वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 20, अगर टेस्ट पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, दल बदल से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में रखे गए हैं? वेरी गुड, 20 का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अगर आप ऑप्शन डी लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही। 21, पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखे गए हैं? 21वें का राइट आंसर क्या रहेगा? वेरी गुड, 21वें का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा भाई। ठीक है, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारतीय अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा? वेरी गुड, देखिए ये पता होना चाहिए आपको, बिल्कुल बेसिक्स और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 22 का राइट आंसर ए हो जाएगा भाई। ठीक है, भारतीय संविधान के, क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात कही गई है? वेरी गुड, 23 का यहां पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अगर आप ऑप्शन डी लगा रहे हैं तो। क्वेश्चन नंबर 24, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? वेरी गुड, 24 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 25, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? वेरी गुड, 25 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। बहुत अच्छे, अगर आप बिल्कुल यहाँ पे स्कोर बताइएगा अपना, आधा टेस्ट हो चुका है। 26, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? बहुत अच्छा क्वेश्चन,
वेरी गुड, 26 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है भाई, बहुत अच्छे। 27, वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो बिल्कुल सही है यहाँ पे, अगर आप ऑप्शन ए लगा रहे हैं, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 28, भाषाई आधार पर राज्यों का पूर्ण गठन कब किया गया? बिल्कुल सही, 28 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और ये क्वेश्चन भी जो नेक्स्ट आपका 29 है, भाषीय आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य था, ये क्वेश्चन अभी भी आपका पूछा गया था, अभी या तो कांस्टेबल में या फिर एसआई में अभी ये क्वेश्चन आता है। इसमें से 5-6 क्वेश्चन तो वही लिए मैंने जो पूछे गए थे, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, पोंडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया? बिल्कुल सही, अगर आप ऑप्शन यहां पे बी लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान कराता है? तो ये क्वेश्चन भी भाई अभी आपका पूछा गया था और ये आपको पता होना चाहिए, वेरी गुड। यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप है, बहुत सी कंट्री में डुअल सिटीजनशिप होती है, जैसे कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, तो यहाँ पे हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि किस देश में डुअल सिटीजनशिप होती है, तो बहुत सारी ऐसी कंट्री है, एक बार देख लीजिएगा गूगल पे सर्च करके। 32, भारत की नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? बिल्कुल सही, यहाँ पे अगर आप ऑप्शन 32 का डी लगा रहे हैं तो इन सभी के तरीके से आप नागरिकता ले सकते हैं इंडिया में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाते हैं। 33 क्वेश्चन नंबर है, भारतीय नागरिकता का अंत किस प्रकार किया जा सकता है? बिल्कुल सही, अगर आप ऑप्शन यहाँ पे 33 का डी लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही है, ये सभी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? बिल्कुल सही, अगर आप यहाँ पे ऑप्शन 34 का डी लगा रहे हैं तो वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 35, वर्तमान में भारत में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रमश है? तो बिल्कुल सही है, सभी को पता होगा और पता होना भी चाहिए, ऑप्शन सी यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान, क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्ण है, अनुच्छेद कितने से कितने तक है? तो यहां पे बिल्कुल सही है आपका, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 37, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं, फंडामेंटल राइट कितने हैं? बिल्कुल सही, 37 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी तक ये 7 होते थे बट अभी 6 हैं, एक राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया, वो 300A आर्टिकल में चला गया। ठीक है, अब वो एक लीगल राइट बन गया है, पहले वो एक फंडामेंटल राइट था। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 38, मूल अधिकारों को परिवर्तित कराने की शक्ति किसे प्राप्त है? बिल्कुल सही, अगर आप 38 का ऑप्शन सी लगा रहे हैं तो यहाँ पे बिल्कुल सही है, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार निहित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, देखते हैं कितने बच्चे यहाँ पे राइट आंसर लगाते हैं।
तो 39 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, अनुच्छेद 19 के ए में ये है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार से हटाया गया था, जो मैं अभी आपको बता रहा था वो भी यहाँ पे आ गया, तो बताइए जल्दी से फटाफट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन और रह गए हैं। तो अगर आपको टेस्ट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक कमेंट मेरे लिए भी कर दीजिए कि हाँ सर टेस्ट पसंद आ रहा है, आप इसी तरीके से लगातार करते रहिए और लाइक भी कर दीजिएगा। 40 का राइट आंसर सी, बिल्कुल सही, यहाँ पे 40वें का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 41, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार है एक प्रकार का, बिल्कुल सही, 41 का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। 42, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है, यानी कि 6 से 14 साल तक के बच्चों की जो शिक्षा है वो अनिवार्य है, वो किस अनुच्छेद में है, बिल्कुल सही, 42 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा भाई, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। क्वेश्चन नंबर 43, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका, जिसको हम बोलते हैं, दायर की जा सकती है। 4 तरीके की याचिका होती है, ठीक है, इसमें से कौन सी है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए डाली जा सकती है, बिल्कुल सही, 43 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, तो यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। 4 रिट होती है, मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा करके अगर बताएंगे तो। क्वेश्चन नंबर 44, मत देने का अधिकार होता है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार तो मैंने एग्जाम में देख लिया कि आपसे पूछा जाता है कि मत देने का अधिकार कौन सा अधिकार होता है, बिल्कुल सही, यहाँ पे 44 का अगर आप ऑप्शन लगा रहे हैं ए, तो एक राजनीतिक अधिकार है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, बिल्कुल सही, 45 का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अगर आप ऑप्शन सी लगा रहे हैं तो। 46, संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है, तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, तो वेरी गुड, अगर आप ऑप्शन सी लगा रहे हैं तो। 47, नीति निर्देशक सिद्धांत है, बिल्कुल सही, 47 का यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय नागरिकों के लिए एक सम्मान सिविल संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, बिल्कुल सही, 48 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 49 और 50, दो क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है, संहिता लागू है, तो ये आपका 49 राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, बहुत अच्छा क्वेश्चन, मतलब ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए और याद रखने की कोशिश करिएगा, और कोशिश क्या रखिएगा, ऑप्शन ए, 14 वर्ष तक के साल के बच्चे को निशुल्क शिक्षा का अनिवार्य है, और ये 21A में आता है, आर्टिकल 21A में, जो मैं अभी आपको ऊपर बता के भी आया था। तो ये थे आज के 50 क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट रहते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, पॉलिटी बहुत वाइड है, ऐसी नहीं कि छोटी सी 50 क्वेश्चन में खत्म हो जाएगी। अगर आप मेरे से रिक्वेस्ट करके या फिर मुझे को कमेंट करके बोलेंगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जरूर लेके आऊँगा एक और पॉलिटी पे, सारे क्वेश्चंस के कलेक्ट करके, पर इससे पहले आपको ये वीडियो लाइक और शेयर करनी होगी ताकि दूसरे बच्चों तक पहुँच सके, ताकि मुझे लगे कि हाँ अगर ज़्यादा बच्चे देख रहे हैं तो बिल्कुल दूसरी वीडियो बननी चाहिए।
इसकी पीडीएफ आप टॉपिक स्टडी का टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक नीचे भी मिल जाएगा, आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। डेली मैं एक रीजनिंग एक मैथ की वीडियो भी अपलोड कर रहा हूँ, अगर आपने वो नहीं देखी है तो लिंक चेक कर लीजिएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप चैनल पर जाके भी देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो को देखें बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। ठीक है, अगर आप मुझे कोई फीडबैक देना चाहते हैं मेरे पर्सनल सोशल मीडिया हैंडल पे, तो सौरभ मलिक सर्च करके आप कुछ भी फीडबैक दे सकते हैं, SAURABHMALIK। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच, वीडियो देखें बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।